स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाल। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जमानत संबंधी फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष की सुनवाई का मौका ही नहीं दिया, महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज किया है। उच्चतम न्यायालय ने मामले पर वापस विचार के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को भेजा है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर जेल में पेश होने का आदेश भी दिया है। ऐसे में आशीष मिश्रा को एक हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ ने तिकुनिया हिंसा मामले में जमानत दे दी थी। इस आदेश के खिलाफ हिंसा में मारे गए किसानों के परिवार ने याचिका दायर की, जिसमें आशीष मिश्रा की बेल रद्द करने की मांग की गई थी। साथ ही कहा गया था कि हाईकोर्ट ने अपराध की गंभीरता को ध्यान नहीं दिया है। बता दें कि जमानत में पहले आशीष मिश्रा 4 महीने तक हिरासत में रहा था। क्या था ये पूरा विवाद, आइए जानते हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 4 की मौत गाड़ी चढ़ाने से, जबकि बाकी 4 लोगों की बवाल में हुई है। आरोप है कि किसान कृषि कानून को लेकर विरोध कर रहे थे, तभी केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी थी। इसके बाद ही आशीष मिश्रा और अन्य लोगों के खिलाफ हत्या सहित कई धाराओं में मामला दर्ज हुआ था। चलिए इसी के साथ ये वीडियो में एंड करती हूँ। और ज्यादा अपडेट्स के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें JK News।